हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सोनी स्टेपअप क्लासेस के यूट्यूब चैनल स्टेपअप क्लासेस चोपटा में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम इंग्लिश के ऊपर आपको वकैब के लिए लेक्चर बना रहे हैं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसमें मैं आपको कुछ लिंक्स बनाकर वकैब को हम कैसे याद रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको पता है कि इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उसको देखिए, आप उसको एक दो बार सुनोगे तो आपको सारे के सारी वकैब याद हो जाएंगे। अभी मैंने बोर्ड पर ये 18-19 वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैं आपको इनके सिनोनिम एंटोनिम और लिंक्स के साथ आप इनको कैसे याद रख सकते हो मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। देखो दोस्तों, अगर हम इनको लिंक्स बनाकर याद करेंगे तो इनको याद करना बहुत ही आसान होगा। जैसे कि यहाँ पर पहला शब्द दे रखा है अमेज। अमेज मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक बहुत ही गरीब लड़का है और एक गरीब लड़के के पास हमने क्या देखा कि अमेज कार है। अमेज एक कार आती है ना, तो एक लड़का ऐसा जो बहुत ही गरीब है जो अमेज कार को खरीद ही नहीं सकता, और हमारे गांव में आकर एक अमेज कार रुकती है और उसमें से एकदम अचानक वो गरीब लड़का निकलता है, तो हम क्या हो जाएंगे, एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अमेज मतलब आश्चर्यचकित, अमेज अमेज बोले तो सरप्राइज हो जाएंगे हम। क्या हो जाएंगे? सरप्राइज हो जाएंगे। एकदम अगर हम देखते हैं किसी को गाड़ी के अंदर, जो गरीब लड़का उसके पास गाड़ी आ नहीं सकती, तो हम एकदम क्या लगेगा, झटका लगेगा, हम सरप्राइज हो जाएंगे। सरप्राइज मतलब हम एस्टोनिश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एस्टोनिश हो जाएंगे हम। क्या हो जाएंगे? एस्टोन हो जाएंगे। अमेज मतलब एस्टोनिश, अमेज मतलब सरप्राइज, अमेज मतलब ऑस्टेंड, अमेज मतलब सरप्राइज होना। जैसे कि दूसरा शब्द दे रखा है हमें अमोक। अमोक का मतलब क्या होता है? बी गो बर्सर्क, मतलब जो मोंक लोग होते हैं वो कभी भी अमोक नहीं होते। जो मोंक मतलब साधु लोग होते हैं वो कभी भी गुस्से नहीं होते। अमोक मतलब गुस्सा, मतलब गो बर्सर्क। पिछली क्लास में मैंने आपको बर्सर्क का मीनिंग बताया था, तो इसमें अमोक का मतलब क्या होता है? गो बर्सर्क मतलब गुस्सा होना। और इसका एक बहुत ही फेमस शब्द है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रैम्पेज। क्या होता है? रैम्पेज। राम गुस्से में आकर पेजों को फाड़ने लग गया। राम गुस्से में आकर पेजों को फाड़ने लग गया। रैम्पेज मतलब गुस्सा होना, मैक मतलब गुस्सा होना। नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा? अटेन वेट। नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा? अटेन वेट। अटेन वेट का मतलब हम पढ़ेंगे इसको तन्नु, और एट खाना बहुत ही कम खाती है। जो हमारी तन्नु है वो खाना बहुत ही कम खाती है, इसलिए वो क्या हो गई है? कमजोर हो गई है। क्या हो गई है? वीकेंड हो गई है। अटेनवेट मतलब कम होना, बांटना। अटेनवेट का मतलब कम होना, वीकेंड होना, रिड्यूस्ड। इसका सिनोनिम एक और क्या होता है? रिड्यूस्ड। जैसे हमें अगला शब्द रखा है असेंचुएट। असेंट आपने गाड़ी का नाम सुना होगा, उस गाड़ी के अंदर बहुत जोर होता है। असेंचुएट गाड़ी है वो हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा जोर डालती है। सेंचुएट मतलब जोर डालना, सेंचुएट मतलब इम्फेसाइज, सेंचुएट मतलब इम्फेसाई। क्या होता है? इम्फेसाई। इसका एक और सिनोनिम होता है दोस्तों, क्या होता है? सार्पन। क्या होता है? सार्पन। सेंचुएट का मीनिंग क्या होता है? जोर डालना। नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा? अटोन। अटोन का मतलब क्या होता है? मेक रेस्टिट्यूशन। अटोन कई बार क्या होता है, हम घर पर बैठे होते हैं और हम हमारे पेरेंट्स के साथ एक अलग टोन से बात कर लेते हैं। जब भी हम किसी रॉन्ग या गलत टोन से हमारे घर वालों के साथ बातचीत करते हैं, तो हमें बाद में हमारी उस टोन के लिए हमें अटोन करना पड़ता है। अटोन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टोन करना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है। अटोन मतलब प्रायश्चित करना, अटोन मतलब प्रायश्चित करना। इसका सिनोनिम होता है मेक रेस्टिट्यूशन। मेक रेस्टिट्यूशन मतलब प्रायश्चित करना। नेक्स्ट है हमारा अवेराइस। अवेराइस में पढ़ो राइस। एवे हम राइस के लिए बहुत ही लालची हो गए हैं, अभी आजकल हम राइस के लिए बहुत ही क्या हो गए हैं? क्यूपिडिटी हो गए हैं। क्या हो गए हैं? क्यूपिडिटी, या मैं कहूँ क्या हो गए हैं? ग्रीडी हो गए हैं। अवेराइस मतलब क्यूपिडिटी, अराइस मतलब ग्रीडी। दोबारा से देख लेते हैं एक बार। अमेज मतलब अमेज मतलब सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना, मतलब सरप्राइज। अमोक मतलब जो मोंक लोग होते हैं वो अमोक नहीं होते हैं। अटेनवेट, तन्नु बहुत कम खाती है इसलिए क्या हो गई है? वीकेंड हो गई है, कम कमजोर हो गई है। असेंचुएट, असेंचुएट का मतलब जो असेंट गाड़ी है वो उसमें बहुत ही जोर डालती है, हमारी पर्सनैलिटी पर असेंचुएट, असेंट गाड़ी असेंचुएट करती है, इम्फेसाइज करती है। असेंचुएट मतलब
जोर डालना। नेक्स्ट शब्द है हमारा अटोन। अटोन मतलब गलत टोन के लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, अटोन करना पड़ता है। गलत टोन के लिए हमें प्रायश्चित करना पड़ता है। अटोन मतलब प्रायश्चित करना, मेक रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारा अविराइस। अविराइस मतलब राइस के लिए क्या हो गए हम, अविराइस हो गए, लालची हो गए, एक कप भरकर टी पी गए, क्यूपिडिटी हो गए, क्या हो गए, लालची हो गए, क्यूपिडिटी। ये शब्द एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्यूपिडिटी मतलब अविराइस, एक दूसरे क्या है सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारा ओटल। नेक्स्ट क्या है, ओटल, इसको हम पढ़ेंगे चोर टल, चोरी टल गई इसलिए सबके फेस पर क्या आ गई, मुस्कान आ गई। चोरी टल गई इसलिए सबके फेस पर क्या आ गई, मुस्कान आ गई। ओटल मतलब लाफ, ओटल मतलब क्या होता है, लाफ। ये एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में जो इसका सिनोनिम आता है वो आता है गीगल। क्या आता है, गीगल मतलब मुस्कुराहट भरा चेहरा, चेहरे पर मुस्कान आना, जैसे कि चकल। क्या शब्द होता है, चकल। एक शब्द है हमारा इल्यूसीडेट। इल्यूसीडेट क्या होता है, इल्यूमिनेट। क्या होता है, इल्यूमिनेट। दोस्तों इसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा लिंक और बताता हूँ, एक शब्द है इसके एक्स्ट्रा हम करते हैं। एक होता है परसुएड। क्या होता है, परसुएड, इसका मतलब होता है कन्विंस। क्या होता है, कन्विंस। और एक हमें शब्द याद रखना है इविंस। क्या याद रखना है, इविंस। देखो इसका हम लिंक बनाकर मैं आपको इल्यूसीडेट बताता हूँ। इविंस और इल्यूसीडेट एक ही बात होती है। इविंस मतलब इशारा करना या वर्णन करना या डिस्क्राइब करना। इल्यूसीडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन। क्या होता है, एक्सप्लेन। इस शब्द को देखो, अगर हम ध्यान से देखते हैं, ये लिखा हुआ है परसुएड। पर को छोड़ो, स्वेड से याद रखो, स्वाद आना। मान लो हम बहुत काफ़ी टाइम से हम किसी लड़की का पीछा कर रहे हैं और वो हमें हाँ नहीं कह रही है, तो हमें स्वाद कब आए, जब वो हमें मजाक कब आए, हम परसुएड कब हों, अगर वो क्या कह दे, हाँ कह दे। तो मान लो उसने एक दिन हाँ कह दिया, तो हाँ उसने क्यों कहा, क्योंकि हमने हमारी बात को ऐसे तरीके से इवेंस किया, वर्णन किया कि वो कन्विंस हो गए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। मान लो हम घर पर, हमने पापा को कहा, पापा दिल्ली जाना है घूमने के लिए, तो पापा हमें क्या कहेंगे, अच्छा दिल्ली जाना है, नहीं जाना घूमने के लिए, बिल्कुल भी नहीं जाना, डांट पड़ेगी। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम एक और तरीके से इसी बात को कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा दिल्ली अभी एग्जाम है, मुझे एग्जाम देने के लिए जाना है, तो पापा क्या कहेंगे, ठीक है आराम से जाना, थोड़ा किराया ले जाओ और उसके बाद आप दिल्ली हो आओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपनी बात को इस तरीके से इवेंस किया कि पापा क्या हो गए, कन्विंस हो गए, और मुझे क्या आ गया, स्वाद आ गया, परसुएड हो गए हम। क्या हो गए, परसुएड। परसुएड का सिनोनिम होता है कन्विंस, मानना, राजी करना, मनाना, और इवेंस का होता है वर्णन करना। हमने हमारी बात को इस तरीके से पापा को इवेंस किया कि उसने हमें जाने के लिए, हमारे लिए कन्विंस हो गए, और हमें क्या आ गया, परसुएड, मजा आ गया, राजी हो गए। परसुएड का होता है राजी होना, कन्विंस का होता है राजी होना, मानना, और इवेंस का होता है वर्णन करना। आपको उम्मीद है याद रहेगा। अगला शब्द क्या है हमारा, सी डेट। क्या है, सी डेट। सी मतलब समुंदर और डेट मतलब डेट पे जाना। जब हम हमारी गर्लफ्रेंड के साथ सी के किनारे डेट पर गए, तो वहां पर बहुत ही क्या थी, शांति थी, क्या थी, काम, पीस था, क्या था, बहुत ही शांत था, या क्या था, ट्रैंक्वल। एक शब्द ये एग्जाम में पूछा गया कई बार, ट्रैंक्वल था। सी डेट मतलब शांत वातावरण था, शांत होना, पीस एंड रेस्टफुल। सी डेट होता है पीस एंड रेस्टफुल। नेक्स्ट शब्द क्या हमारा, सबेटिकल। सब बातें आप कल कर लेंगे, सबेटिकल मतलब सब बातें हम कल कर लेंगे। क्यों भाई, क्योंकि कल हमने पेड लीव ले रखी है। इसका मतलब होता है, सिनोनिम होता है इसका, पेड लीव। पेड लीव कहाँ से, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। मान लो हम किसी कॉलेज के अंदर लेक्चरर हैं और हमने किसी अपने काम के पर्पज से कोई पेड लीव ली है, तो उसे बोलते हैं सबेटिकल। क्या बोलते हैं, सबेटिकल। नेक्स्ट वर्ड है असैसिनेट। असैसिनेट, ऐसे ऐसे इंटरनेट पर तरीके आ गए हैं कि लोग उससे राजनेताओं की हत्या कर देते हैं। ऐसे ऐसे नेट पर तरीके आ गए हैं कि लोग राजनेताओं की भी हत्या कर देते हैं। असैसिनेट होता है राजनीतिक हत्या, और इसका सिनोनिम हम ले सकते हैं मर्डर। क्या ले सकते हैं, मर्डर, या मैं कहूं स्लॉटर या किल, इसके सारे क्या है, सिनोनिम है। इंडोलेंट, भाई इतने अच्छे डोले सोले हैं आपके, फिर भी आप इंडोलेंट हो। आपके अच्छे खासे डोले सोले हैं, फिर भी आप क्या हो,
इंडलेंट हो, क्या हो, डल हो। इसका एक सिनोनिम होता है पोंडरस, ये बहुत अच्छा शब्द है, इसको याद रखना, ये बहुत आसान काम है, पोंडरस। पांडे जी रस पी कर क्या हो गए, सुस्त हो गए। हमारे पांडे जी रस पी कर क्या हो गए, सुस्त हो गए। पांडे जी रस पी कर पोंडरस हो गए, क्या हो गए। और इसका एक सिनोनिम और होता है, क्या होता है, लेजी। और जो एग्जाम में पूछा जाता है क्या होता है, लेथार्जी। इसका भी क्या होता है, सुस्त होता है। नेक्स्ट शब्द है हमारा स्कैम्पर। नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा, स्कैम्पर। आजकल का ट्रेंड यही चल रहा है, स्कैम करो और फुर्र हो जाओ। स्कैम्पर मतलब भाग जाना, स्कैम करके भाग जाना, स्कैम्पर मतलब रन। क्या होता है, रन मतलब डार्ट, स्कैम्पर मतलब इलोप। स्कैम्पर क्या होता है, इलोप। वैसे इलोप एक अलग सेंस में होता है, अगर हम हमारी गर्लफ्रेंड के साथ फरार हो जाते हैं तो इसे इलोप कहते हैं। यह एक शब्द हम ले लेते हैं, एब्सकॉन। अब अगली सेकंड हम फरार हो गए, हमने स्कैम किया और अगली सेकंड हम क्या हो गए, फरार हो गए। स्कैम्पर मतलब एब्सकॉन, रन, डर्ट। नेक्स्ट शब्द क्या है, पलीथोरा। सुना होगा बचपन में, बूंद बूंद से सागर भरता, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत ज्यादा हो जाता है। पलीथोरा मतलब बहुत ज्यादा, पलीथोरा मतलब बहुत ज्यादा, पलीथोरा मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा का सिनोनिम क्या होगा, प्लेंटी, मतलब एम्पल। या एक और शब्द हो सकता है, अबंडेंट, अबंडेंट ये भी होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा, अत्यधिक हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पलीथोरा बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैंटी। स्कैंटी होता है किफायती या कंजूस। इसका सिनोनिम होगा हमारा, सबसे अच्छा सिनोनिम एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, फ्रूगल। स्कैंटी मतलब फ्रूगल, और इसके जो ऑप्शन में हमें कई बार मिलता है वो होता है मीगर, मतलब कंजूस। क्या होता है, कंजूस। और इसका बिल्कुल एंटोनिम होता है प्रोडिगल, मतलब खर्चीला। प्रोडिगल जो भाई पड़ोसियों की लड़की है वो बहुत ही खर्चीली है, पड़ोसियों की जो लड़की है वो बहुत ही खर्चीली है। प्रोडिगल मतलब खर्चीली, मतलब लविसली। या हम बोले एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट। या मैं कहूं स्पेंडथ्रिफ्ट, क्या होता है, स्पेंडथ्रिफ्ट, ये इसकी सिनोनिम है एक्स्ट्रावेगेंट, या मैं कहूं स्पेंडथ्रिफ्ट। नेक्स्ट हमारा स्टल्टीफाई, स्टल्टी लड़कियां क्या होती है, स्टाइल मार्कर, हमें फ्लाई कर देती है, हमें हवा में रखती है, मतलब झूठा मूठा हमारे साथ हाँ ना ना नुकर करेगी और हमें हवा में रखेगी और हमारा खर्चा करवा कर चली जाएगी, बेवकूफ़ बनाकर चली जाएगी, स्टाइल मार्कर हमें फ्लाई कर जाएगी। थोड़ी सी तारीफ करते हैं हम फ्लाई हो जाते हैं ना, तो स्टल्टीफाई मतलब थोड़ा सा स्टाइल मार्कर हमें फ्लाई करना, मतलब हमें बहलाना फुसलाना, मतलब हैम्पर, मतलब क्या होता है, हैम्पर मतलब क्या होता है, थ्वाट। क्या होता है, थ्वाट। इसको हम बोल सकते हैं कोक्स, कोक्स भी बोल सकते हैं। एक है इम्प्रोवाइज, जो वाइज लोग होते हैं वो, जो वाइज लोग होते हैं वो इम्प्रोवाइज करके खुद को इम्प्रूव करते हैं। जो वाइज लोग, बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो इम्प्रोवाइज करके खुद को इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रोवाइज मतलब तत्काल प्रबंध करके किसी भी सिचुएशन का उसी समय हल निकाल कर खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं। इम्प्रोवाइज मतलब तत्काल प्रबंध करना, मतलब एक्सटेम्पराइज, तत्काल। एक इसका शब्द होता है एडलिब, ये एग्जाम में कई बार आता है एडलिब, एडलिब। नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा, इंसीडियस। इंसीडियस क्या होता है, घातक। इंसीडियस क्या होता है, फटल, या मैं कहूं कनिंग, नेगेटिव वर्ड है कनिंग, या मैं कहूं क्राफ्टी। क्या होता है, क्राफ्टी। इंसीडियस मतलब घातक, मतलब क्राफ्टी, कनिंग, फटल, ये सारे हमारे क्या है, इंसीडियस के सिनोनिम है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा। वीडियो को एक बार आराम से धीरे धीरे शांति से सुनना, सभी लिंक्स को ध्यान से सुनना। जैसे आप लिंक्स को याद करोगे, इन शब्दों को देखोगे, तो आप इनसे अलग अलग बना सकते हो। ए टोन, उस टोन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। राइस के लिए हम क्या हो गए हैं, ग्रीडी हो गए हैं। चोरी टल जाने से हमारे चेहरे पर मुस्कान आ गई है। और इलूसी ने उस दिन की डेट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया।
लूसी मान लो कोई है हमारी गर्लफ्रेंड है और उसने उसके साथ हम डेट पर गए थे, उस दिन को उसने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया। तो इन सारे शब्दों की अगर आप एक बार आराम से सुनोगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। और अगर आपको हमारे ये देसी तरीका जो है हमारा वोकैब करने का, अगर आपको ये पसंद आ रहा है और आपको इसे वोकैब याद हो रही है, आपको इसे बेनिफिट हो रहा है, तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे सारे वीडियोज़ को, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और उसी से हमें पता लगेगा कि हम उससे इंकरेज फील करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद।